तो बाबूजी सुनेंगे। हम एक ऐसन घटना प्रस्तुत करे जाते हैं शिव शक्ति म्यूजिक कंपनी के सौजन्य से और बड़े दुलार प्यार दिहलन हमरे राकेश पांडे जी। कवि ने लिखा है मोहब्बत पे चार लाइन भूमिका को। प्यार पर हर किसी ने भरोसा किया, प्यार में लैला मजनू को दिल दे दिया, हीर राजा को इतिहास गाता सदा, प्यार पाकर के मीरा ने विष पी लिया, मगर प्यार में वासना जब भरा, अरे इस रिश्ते को उसने कलंकित किया, खाके ठोकर उसी प्यार में वंदना, दिल दीवाने से आखिर कसम ले लिया। लिखा है कवि ने, पहले के मोहब्बत करने वाले एक लोग थे लैला मजनू हीरांझा जूली फरहाद, और बाहर आज का समाज आज के प्यार करने वाले लोग ये मातनिक सा कौआली के टुकड़ा लगल कैसे लाला वा। मेरा महबूब, मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, लेकिन कौआली से बढ़िया भाव विरहा में कवि जी लिखलन। करके प्यार जो रास्ते से भटक जाते हैं, कांटा बन के वही दिल में खटक जाते हैं, यही जा से विरह के शुरुआत भई। घटना कहाँ के बा कवि जी ने शायर के लाइन में लिखा है कैसे आवला। गजब के प्यार का अफसाना ये सुनाता हूँ, धोखा प्यार में जमाने को बताता, बीएचयू बनारस की सुनिए कहा, दो दिलों में चढ़ी प्यार की, पढ़ता राहुल सिंह ये मैं में सयान, प्यार में वंदना के हो गया, इसके गोद में दिन रात वो समाये, इसके गोद में दिन रात वो समाये, गोता प्यार के समंदर में लगाए है, ए भैया बात सुन ला। ये बीएचयू के घटना बा जिस विश्वविद्यालय को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया है, जहाँ हमारे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि देश विदेश के लड़के लड़कियां शिक्षा लेने आया करते हैं, वही पटना का रहने वाला राहुल सिंह नाम का लड़का जो एमए में पढ़ रहा था और इसी कॉलेज में बाबू गोरखपुर बिछिया कॉलोनी की रहने वाली वंदना नाम की लड़की एमए कर रही थी, एक दिन दोनों में नैन चार भइल तो प्यार शुरू हो गई। प्यार का परवाह नहीं सन चलो, दोनों जीने मरने की कसम खा लिए। धीरे धीरे कुछ समय बीता ले बाबू,
वंदना के पेट में उस राहुल का प्यार पलने लगा। वंदना जाके राहुल से कहला, सैया जी तू हमार हो वाला पति हव, वादा किया कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में कुछ दिन के बाद शादी कर लूंगा। कलश होवे वाला पति है वो, हमारे मांग में सिंदूर पहना दा ताकि समाज से हम बता सकें किसाने वाली औलाद के बाप का नाम राहुल सिंह है। कहा रे पगली घबराओ मत, वो मेरी औलाद है, तुम्हारे पेट में जो प्यार पल्ला है मेरा है, किसी गैर का नहीं है। अपनी औलाद को जन्म लेने दो, गोद में ले चल के बाबा विश्वनाथ के मंदिर पे तुमसे शादी रचाऊंगा। वो लड़की के समझावत बाबी रहा में ठे गीत लगल कैसे। सुंदर अयली पनिहारी, सुंदर अयली पनिहारी कुआ नवा उमड़ तयावे, ओ लड़की के समझावत बा के जीवन जोड़ी रही यादगार हो पीरितिया हमार नहीं टूटी। धीरे धीरे वो लड़की के फुसलावत बहलावत ले गया, घबराना मत तुम्हारे पेट में मेरा प्यार पल्ला है। सातवें महीने में बाबू जब वो प्यार पल्ले लगा, हुआ क्या कवि जी ने लिखा है के धीरे धीरे जब नियर आई गई लदीनावा, अरे बंदना का टूट गई ला साजला सपनावा, बाबू देखा जब वो राहुल की मात कुछ है दिन के बाद इसके तन से बेटा चाहे बिटिया जन्म लेगी। बाहरे राहुल उस लड़की के नाम से एक पत्र लिखा कि वंदना तुझे मालूम कि जवानी के जोश में होश खोके जो तुमसे मैंने मोहब्बत कर लिया उसको एक सपना समझ करके भूल जाना, और जो मेरा प्यार तेरे पेट में पल्ला है उसका एवार्षन करवा कर समाज में अपनी आबरू को बचा लेना। मैं सदा सदा के लिए विद्यालय छोड़ के जा रहा हूँ, जिंदगी में कभी मुड़ के मुझे तलाशने की कोशिश मत करना। जब वो लड़की इस पत्र को पाती है बाबू, नीचे धरती ऊपर आसमान फटने लगा, जाऊं तो कहां जाऊं। लेकिन एक बड़े बाप की बेटी उसकी सहेली थी जिसका नाम था निर्मला, उस पत्र को लेके रोते बिलखते उसके क्वार्टर पे पहुंची है बाबू, और निर्मला को पैर पकड़ के वंदना एक थे बात कहलस। का कहलस? संकेत से वंदना को हली जाके निर्मला से बतिया हो, वंदना कहली जाके निर्मला से बतिया, सूझे ना डहरिया हो महा, कैसे के बची सखी हो मरी जतिया हो, कैसे के बची सखी हो मरी जतिया हो, भैले मलावा फरार। अपने सहेली के पैर पकड़ के रोवत बा, सहेली तू मेरा साथ दिया करती है, जो राहुल मुझसे शादी करने का वादा किया था आज उसका लिखा हुआ पत्र पढ़ ले, और मेरा साथ देना चाहती है तो जिंदगी में
चुटकी भर जहर ला के दे दे, मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहती हूँ। मैं इस समाज में जीने के लायक नहीं हूँ, इस समाज में जीना नहीं चाहती हूँ। ओकर सहेली आंसू पोछे लगल, कलश नहीं रे पगली, मात्र 10-15 दिन के तो बात बा, हमारे क्वार्टर में पड़ी रहो, प्रसव पीड़ा का दर्द होगा, ले चलूंगी किसी नर्सिंग होम में एडमिट करवा दूंगी, और तेरे तन से बेटा चाहे बिटिया जो भी जन्म लेगा उसकी हत्या करके किसी नाले नापदान में फेंक देंगे, समाज में तेरी लोक लाज बच जाएगी। अपने सहेली की बात मान के रहे लगल। कुछ ही दिन के बाद प्रसव पीड़ा का दर्द हुआ, बनारस के राधे नर्सिंग होम में ले जाकर उसकी सहेली एडमिट करवाती है, और जब एडमिट भइल कुछ ही देर के बाद हल्का ऑपरेशन से एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। नर्स ले जाके नहला धुला के वो लड़की के गोद में जब वो लाल के डल्लस, सोच रही है कि इसकी हत्या करूंगी तो समाज में मेरी लोक लाज बचेगी, और एक तरफ सोच रही है कि मेरे तन से पैदा हुआ ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। बिरहा में एक ठे गीत लगल जेवना के स्वर्गीय रामदेव गुरु गावे। अरे सावन महीना सावन या निकलो गेला काला तिलक लगा के हई गोरैया निकलो गेला, रस रस झूले ली झूलन मरा दे हूं का धमन वाह रे वाह। जब वो लाल के अपना गोद में लिए लस कवि जी भाव लिखलन बिरहा में कि ठानी के परनिया अरे सुवन जो नमावेली आ देखे जब सुघरी लला नवा गोरिया हो मनवा मोहेला। दिया लसी में दवाई अरे जब वही लाल के आचरवा तब मोम जैसे पिघल बबाई के ही सोचत बा कि कैसे कर बेलाल के बधनवर निया हो मनवा मोहेला दू। ए बाबू 5 रोज हॉस्पिटल में लेके रहली, छठवा रोज 3 बजे भोर में दोनों सहेली लेके वो लड़का के हॉस्पिटल से चल दिली लंका के तरफ। टेम्पू में बैठ गयी, लंका से 200 मीटर की दूरी पर बैठ रही, आवाज देती है गाड़ी रोक दो, रोक दिया गाड़ी को, पैसा देती है चल देता है टेम्पू वाला। बनारस के उस हाईवे रोड पे वह कुंवारी लड़की उस मासूम बेटे को लेकर के और खड़ी है रोड के पटरी पे, उसकी सहेली आवाज दे रही है, क्या तमाशा देखती है, दबा दे अपने बेटे के गर्दन को और फेंक दे उस नाले में, नहीं बोलती है। दूसरी बार उसकी सहेली चल पड़ी, ला अपने बेटे को दे दे, मैं इसकी हत्या करके फेंक देती हूँ। और जो ही अब उसके बेटे को गोद से लेना चाहती है उसकी सहेली, तब तक अपने सहेली के कलाई पकड़ लेलस और पकड़ के एक ठे बात कहलस, का कहलस, कहलस कि अरे मोरे राम अरे पर नवा का सुग नवा कलई, अरे पर नवा का सुग नवा हो पर नवा का सुग नवा कलई, प्यार में धोखा खा के झंख दिबा मयन या प्यार में धोखा खा के झंखत बा मैनवा परनवा का सुगनवा कले। कैलस नहीं रे सहेली, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्यार तो मैंने किया, पाप तो मैंने किया था, इस मासूम का क्या दोष है, ये नन्ही सी जान तो इस जहान को देखा भी नहीं है रे, कोई ऐसा तरकीब लगा कि ये नन्ही सी जान भी इस जहान में जिंदा रहे और समाज में मेरी लोक लाज भी बच जाए।
पांच मिनट के बाद ओकर सहेली एगो उपाय बतौलस विदेशिया में कवि लिखलन। लोक लाज कैसे बची आए बाबू दियाली उपाय राची आ दोनों सखी मिली के बनावाली ओ जाना। कहली कि लाल के छुपाई कहवा आले के हम जाई कहवा। अरे बाबा विश्वनाथ मंदिर आया बैली ते ही छाना। ए भैया दोनों पहुंचली बाबा विश्वनाथ के मंदिर पे। जो भाई गए होंगे देखे होंगे तमाम नारियल फूल चुनरी चढ़ाने का सामान जो बिकता है दुकानदार अपनी अपनी दुकानें सजाए हैं। वही माई दोनों पांच रोज के लैका के लेके घूमत है। नजर पड़ल कि एगो 60 वर्ष का बुढ़ऊ दुकान के लेवन। वही दुकान पर दोनों पहुंचली जाके कहली बाबा 100 रुपया का प्रसाद बांध। बांध दिया जब वो बूढ़ा माली तो ये बाबू जब प्रसाद बांध देलन तो अपने अपने कांख से लेडीज बैग उतार के दुकनिया पर दोनों रख दिली। आपन दोनों चप्पल निकाल के दोनों ठौरी रख दिली। हमन के सामान देखिया बाबा आ निवेदन कैली कि तुम्हारा आदेश हो तो लड़कवा के सुता देती जा आ कुछ ही देर के बाद मंदिर से पूजा करके अती जा लेके चल जाती जा। बुढ़ऊ के दया आ गई कहलन सुता दे बिटिया। सुता तो दिहली लेकिन कैली का दोनों कि मलिया के लाला दिहली आदर्शन के बहाना कैली। अरे छोड़ी छतवासा दोनों भगली मायाना। दूसरे रास्ते से निकल के दोनों फरार हो गई। 2 घंटा बीतल 3 घंटा बीतल सवेर के जब धीरे धीरे 7 बजल ओ बुढ़ऊ के बुढ़िया नाश्ता लेके दुकान पर पहुंचली। देखली एगो मासूम लड़का सुतावल बा दू दू गो बैग रखल बा लेडीज चप्पल दुठे मेहरारू के रखल बा। कहली बुढ़ऊ से इ कैसन लड़का कैसन चप्पल कैसन बैग रखले हवा। बुढ़ऊ कलन तनी दुकान संभारा दुठे मेहरारू वैली लड़का के हमरे हवाले करके बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा करे गईली। अब ले लवट के ना अली जाय के 2-4 घंटा बुढ़ऊ खोजलन रहे तब तो मिले। समझ गया वो बूढ़ा माली ये किसी ने अपनी नजायद औलाद को मेरे हवाले कर दिया। जब धीरे धीरे शाम हुए लगल बुढ़िया लड़का के कैसहू दूध पियावत बा खिलावत बा वह बूढ़ा माली दुकान से उठा और दोनों लेडीज बैग अपने कंधे में टांग लिया बाबू और हाथ में उस लेडीज चप्पल को उठा लिया। 7 रोज के 6 रोज के मासूम बेटे को उस गोद में उठा लिया। किया क्या कि लाल छपिटाए लागल अरे समनिया राये लागल तले के कोतवाली माली अचलल बासू गाना। ए भैया लेके चल दिया बूढ़ा माली ले चलो इस औलाद को कोतवाली में कोतवाल साहब को सुपुर्द कर दूं। इस लड़के को अनाथालय में भिजवा देंगे अन्यथा जमाने में बहुत ऐसा लोग हुवन जेके मालिक दौलत बहुत दिले हन लेकिन उस दौलत पर कोई औलाद नाम की चीज नहीं है। किसी को दे देंगे कोतवाल साहब परवरिश कर लेगा लेकिन कोतवाली से बाबू मात्र 150 मीटर की दूरी पर वो बूढ़ा जा रहा था। तब तक एक 27-28 वर्ष का नौजवान जिसके कंधे पर लिखा था उत्तर प्रदेश पुलिस नजर पड़ी। जब बुढ़ऊ करीब एलन रोक के कहलस बाबा ई मासूम बच्चा गोद में लेके
तू बुढ़ोती में कहाँ जात हुआ बाबा, आखिर इसकी माँ कौन है कि इतनी बड़ी जलालत झेल रहे हैं। बुढ़ऊ के आंख से आंसू चले लगल, सारी बात बताए उस लड़के की कि बेटा सिपाही जी ये लड़का के हम कैसे पौली। जब सारी घटना को सुना सिपाही, उसका हृदय विदारक हो उठा, ममता जगी सिपाही की और कहा कि बाबा इस कोतवाली का मैं सिपाही हूँ, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दीजिए। बुढ़ऊ सोचे लगलन कि चाहे कोतवाल के दा चाहे सिपाही के दा, ये लड़का से हमार गला छूटे। तो बिरह में एक गीत लगल, कौन गीत बालाल? उहे गीत बजा दी हलन, अरे डूबी मरबे रजऊ, अरे डूबी मरबे राजा, जई बजो पूर्व की सवा, के गोद से उस सिपाही अपने गोद में जब लाल के लिए हलस, तो बिरह में भाव कवि लिखे, लिहल मनोज जहिया, लिहल मनोज जहिया, गोदी में सुगंधवा के, प्रदेश में सबसे बड़ा गांव है जिस गांव का नाम है गहमर, गाजीपुर में पड़ता है, वही गहमर का रहने वाला ये बाबू मनोज यादव सिपाही उस लड़के को ले लिया, उस बुढ़ऊ से झूठा वादा किया कि आप चलिए दुकान पे भी इस बच्चे को मैं कोतवाली में जमा करके आ रहा हूं। लेकिन वो लेके ले सिपाही जी कहाँ लेका के चल गई लन, लेके चल गई लो ही मेरठ के सहरिया बाबू, सिपाही कसम खा लिया कि मैं जिंदगी भर अपनी शादी नहीं कर सकता हूं, इस लड़के का धर्म का बाप बन करके इसका परवरिश करूंगा और समाज में एक अच्छा इंसान बनाकर पेश करूंगा। परवरिश कराने लगा, धीरे धीरे वो लड़का 5 वर्ष के भाई, नाम रखा उसका दीपक कुमार, विद्यालय में दाखिला करा दिया, पढ़ने लगा वो लड़का। धीरे धीरे कुछ और समय बीतल बाबू, जब वो दीपक कुमार 8 वर्ष के हो गए, तो एक दिन एगो छोटी मुकी घटना घट गई, एसपी के बंगलवा खेलत गोइल बा सुगनवा भैया, ये गो सुमनवा भैया, जाके तोड़ी दी हले लाला, तू ये गो सुमनवा भैया, जाके तोड़ी दी हले लाला, तू ये गो सुमनवा।
बाबू रविवार का दिन था, छुट्टी थी। वह दीपक कुमार घूमते घूमते सीटीएसपी के बंगले के सामने पहुंच गया। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले के सामने विभिन्न तरह के फूल खिलाए जाते हैं। वो मासूम लड़का जा करके उसी फुलवारी में, बाबू अभी मात्र दो फूल तोड़ा था कि उस बंगले की रखवाली करने वाला माली की नजर पड़ गई। अंदर खिड़की से देख रहा था, फूल तोड़ते हुए दीपक के पास दौड़ते हुए आया और दीपक के कॉलर को पकड़ लिया, चार पांच चाटा उसके गाल पे मार दिया। यही नहीं, उस दीपक कुमार को फर्श में पटक दिया, सर फट गया दीपक कुमार का, लहूलुहान हो गया, आवाज दिया भाग जाओ, आइंदे इस फुलवारी में आने की जरूरत मत करना। ओ दीपक लहूलुहान मासूम बेटा बाबू दौड़ते भागते अपने उस धर्म के बाप के पास पहुंचा, जहां उसका धर्म का बाप अपने कैंपस में अपने लाडले के लिए भोजन बना रहा था। जब देखा अपने मासूम को घायल, गोद में पकड़ लिया, रे बेटा ये चोट तुझे कैसे लगी बेटा? रो रो के बताने लगा, पापा उसी फुलवारी में मैं गया था, उस बंगले का माली जो है पापा मुझे मार दिया। इतना बात जब सुनाओ, सिपाही अपने मासूम बेटे के कलाई को पकड़ा, लेके गया उस बंगले पर, आवाज दिया कि इस बंगले के अंदर कोई है, इस बंगले के अंदर कोई है तो बाहर निकलो। आवाज सुनकर के वो माली बंगले से बाहर निकला, सवाल किया, क्या पूछने आए हो? कहा वो सिपाही कि यही पूछने आया हूं कि मालिक ने तुझे कोई औलाद दिया है या नहीं दिया है। डांट करके कहा कि औलाद वाले बनते हो भाग जाओ, मैं सीटीएसबी के बंगले का माली हूँ, चाह दूंगा तो 5 मिनट में नौकरी से सस्पेंड करवा दूंगा। इतना ही बात जब कहा, बाबू सोचने लगा वो सिपाही, जिस धर्म के बेटा के लिए मैंने ता जिंदगी शादी न करने का फैसला किया और ये माली मुझे धमकी दे रहा है कि नौकरी से सस्पेंड करवा दूंगा। अपने को रोक नहीं पाया वो मनोज सिपाही, तोड़ पड़ा उस बंगले के ऊपर चढ़ गया और पकड़ लिया उस माली के कालर को और घसीटते उस फुलवारी में लाया जहां उसके मासूम बेटा को उसने मारा था। तो बिरहा तनी भी रस के ओर चलल, यहां एक गजब का गीत लगल बाबू। वह गीत बा तरज रहल बिरहा में। भाव कवि जी लिखलन, पकड़ लिया उस माली के कालर को, बंगले से नीचे घसीटते लाया। भाव कवि जी लिखलन का भाई, अरे मरल बम मान कहिका और ढाकत मा सुगा न रजबुबा ये नवा कहिले जबुबा ये नवा कहिले बोला ढाकला नया नवा हो जबुबा ये नवा कहिले उस माली को मारने लगा बाबू, हंगामा होने लगा बंगले पे। आवाज सुन के चारों तरफ से सिपाही दौड़ पड़े और जब तक सिपाही दौड़ के मनोज के पास अलन तौले का कजलस कि मरना पे मलिया क्या और आज टूटल गा रत्ता नवर जबुबा ये नवा कहिले जबुबा भारी माचल बा तूफान नवर जबुबा ये नवा कहिले के सिपाही मनोज यादव को पकड़ लिए। अरे तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है? तुझे मालूम है कि नहीं कि सीटीएसबी के बंगले का माली है? आवाज दिया वो सिपाही,
चाहे अमेरिका के विल क्लिंटन के बंगले का मालिक क्यों ना हो, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। पकड़ तो लिए सिपाही बाबू, लेकिन वायरलेस सेट पे सीटीएसपी को सूचना दी गई। जब सूचना पाती हो महिला सीटीएसपी अपने हमराइयों के साथ बंगले पे धमकती है, सिपाहियों से अवगत होती है मेरे मालिक को मारने वाला कौन है। साथ के सिपाही बताए कि मनोज सिपाही मारने वाला है। इतना ही सुनी बाबू, उन्हीं सिपाहियों को आदेश दे दिया, गिरफ्तार करवा ले दिया। गिरफ्तार करवा कर उस सिपाही को पाए में बदवा देती है और उन्हीं सिपाहियों को आदेश देती है, इस पर तब तक लाठी बरसाओ जब तक मैं मना न कर दूं। मनोज के हाथ वही सात के सिपाही पकड़ के बांध दियलन और वही सात के सिपाही जब लाठी बरसावे लगलन बाबू, उस सिपाही के आंख से आंसू की धार चलने लगी। आवाज देने लगा, एसपी साहिबा मेरी फरियाद सुन लीजिए, मेरे गलती को माफ कर दीजिए। एसपी साहिबा आवाज देती है, रुक जाओ, पाए से खुलवा देती है, बैठ गई कुर्सी पर, बुलाने लगी, जाओ क्या कहना चाहता है। लड़खड़ाते पांव चला है वो मनोज सिपाही एसपी साहिबा के पास, तो रो रो के एक ठे बात कलश विरह में गजब के गीत लगल। है गीत बा कहली की ए बंदर कूद जा जामुना वही में, कूद जा जामुना वही में, मन लाना कहना है ओ माना जी। घर में फांसरिया डल के घूमता मदरिया हो लेके, घूमता मदरिया हो हाथ बाड़ा डंडावन के महाराजी। लेकिन उस सिपाही ये बाबू एसपी साहिबा के सामने पहुंचाए, हाथ जोड़ के आंख में आंसू लेके फरियाद कर रहल बा, जाई के सम्हाना वाऊ करला बाया नावा रे करला बाबा माफ कर गलती है माराजी। कहा कि एसपी साहिबा मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरा धर्म का बेटा है और इसके परवरिश के लिए मैं संकल्प लिया हूं। एसपी साहिबा मुझे गुस्सा इस बात पे आया, आपके मालिक को इसलिए मैंने मार दिया कि धन्य बाबा भोलेनाथ की नगरी में एक माली मिला जो इस सुमन को हमारे चमन में डाल दिया, और धन्य आपके बंगले पे एक माली है जो इसके सर से लहू निकाल दिया। तो आपे बताई जो ना लड़का खातिर हम कसम खेले हैं, कैसे के आंसू देखी एकरी नाया नावा यरे एकरी ना अखिया से बहे जला धारा जी। कहा कि एसपी साहिबा इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं, कैसे इसकी आंखों में आंसू देख सकता हूं। बोल पड़ी, तेरा बेटा नहीं है, तेरे भाई का बेटा होगा, तेरे बहन का बेटा होगा, तेरे रिश्तेदार का बेटा होगा, इसके लिए इतना बड़ा जुर्म किया। बोल पड़ा कि नहीं एसपी साहिबा, ना तो मेरे भाई का बेटा है और ना ही मेरे रिश्तेदार का बेटा है, न पटीदार का बेटा है। बोल पड़ी किसका बेटा है। बोल पड़ा क्या के करी जेता नावा से जनमल सूगा नावा यरे जनमल सू जनहे गो सैया कर। कहा एसपी साहिबा दुनिया में इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है, इसे मैं नहीं जानता, इसे तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। सारी बात बताया, पैर पकड़ लिया, मेरे नौकरी को मत लीजिए एसपी साहिबा, इसके परवरिश के लिए माफ कर दीजिए। मगर खड़ी हो गई कुर्सी से और आवाज देती है, सिपाहियों को दीवान और मुंशी को बुलाओ।
आवे सस्पेंड ने इसे नौकरी से बर्खास्त करा के दम लूंगी। आदेश पा के बाबू दीवान मुंशी जी डी लेके हाजिर भैलन, बैठ गए मुकदमा लिखने के लिए। सारे महकमे के लोग हैं। वह 8 बरस का दीपक कुमार सोचने लगा, मेरे जैसा भागा बेटा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होता, तो शायद मेरे धर्म के बाप की नौकरी नहीं जाती। वह 8 बरस का दीपक कुमार एसपी साहिबा का पैर पकड़ लिया बाबू, और पैर पकड़ के रो रो के एक ठे बात कहे लगल, का कहलक, कैलस की बाबू के हमारी नौकरिया नु हो, अरे जान ली हो ये माई, दी हली मोरी महतरिया नु हो, भिखिया दे दहो माई, नया ना थके ही करे लनी पलनावा, नया ना थके ही करे लनी पलनावा, बगिया में तोड़ बनाई कबहू सुमनावा, बगिया में तोड़ बनाई कबहू सुमनावा, बगिया में तोड़ बनाई कबहू सुमनावा, हाथबानी पानी बाबू क्या क्रिया नु हो, जइबे यहाँ से पराई बाबू का हमारी नौकरिया नु हो, माई लिहा तू बचाई, ए बाबू वो मासूम एसपी साहिबा का पैर पकड़ लिया, आंख से आंसू बरसाते हुए फरियाद करने लगा, एसपी साहिबा हमरे बाबू को नौकरी मतला, हम अपने बाबू के साथ कहीं दूर चल जाई। एसपी साहिबा हमारे बाबू बतावेलन कि ये बेटा बाबा विश्वनाथ के मंदिर से तोरा के लेके रे बेटा एगो माली आवत रहल कोतवाली में देवे बदे, ओ माली हमके सब बतौलस की दुई ठे मेहरारू आईली ये लेका के रख के हमरे दुकान पर प्रसाद लेके चढ़ावे गईली, अपन सामान रख के वापस ना आईली, हम तोर कहानी सुनली बेटा और तुझे गोद में ले लिया धर्म का लाल, ये कह के मेरा बाप परवरिश करता है माई, हमार दुनिया में कोई बाना हमारे बाबू को नौकरी मतलब। इतना जब सुनी बाबू 5 मिनट के बाद कुर्सी से खड़ी हो गई, बिरहा में कवि जी आल्हा में निकलन कैसे आवा, के बाबू के जिया रवारे अरे कठोर बोले होला रे भैया, माई के जिया रवा हुए ममता के धार, गोदिया में उठा के तहिया कर लगली बतिया ये पंचो, झार बरसे एसपी साहिबा के नया तहिया, या बतानी आगवा के सुन नहीं जहार, ए बाबू एसपी साहिबा कुर्सी से खड़ी हो गई, उस मासूम को गले लगा के बोल पड़ी, नहीं रे बेटा हम तेरे बाप की नौकरी नहीं लूंगी। एसपी साहिबा के आंखों से आंसू बहने लगा। सिपाही ने सवाल किया कि हुजूर मैं तो अपने धर्म के बेटा के परवरिश के लिए रो रहा हूं, जिसके परवरिश के लिए भी आपके क्रोध का शिकार हुआ, आपके आदेश में 2500 लाठी मैंने खाया,
और अचानक आपके आंखों से आंसू क्यों निकल पड़े? एसपी साहिबा ने कहा, सिपाही अगर जानना चाहता है मैं क्यों रो रही हूं, बाहरे मालिक तेरा क्या इंतजाम है? क्या बोल पड़ी एसपी साहिबा जी? हमरे तनवा आशई हो जाना मलसुगा नवर सुनिला, प्यार में धोखा हम खैल रे बरियार, काशी के नगरिया फेकली और नमल रता नवया पल, लोकला जिया के मारे भैल रे फरार, खैली कस मजग में करब नाई सदिया कोई से, भीख मांगी तो से आज वो चरवा के पसार। ए बाबू एसपी साहिबा बोल पड़ती हैं, ये दूसरे किसी का बेटा नहीं है, ये मेरे तन से जन्मा हुआ मेरे कलेजे का टुकड़ा है। सारी बात बताती हैं, प्यार में धोखा खाने के बाद अपने सहेली के साथ इस लाडले को उस माली के दुकान पे मैं ही रखी थी, और प्यार में धोखा खाने के बाद मेरा मर्दों से विश्वास उठ गया और मैंने कसम खा लिया कि ता जिंदगी अपनी शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बाहरे मनोज सिपाही, तू आज के बाद इंसान के रूप में भगवान मिल गए। दौड़ करके एसपी साहिबा जी पैर पकड़ लेती है उस सिपाही का, एक ठे बात कहती है, बाबू बाबा अरे गजब विधान के रचेला विधान तो गिरी, अगिर मनोज के चरण हमारो वैली बंदना, कली की काशी में फेकली जवनियन बोल रतनवा, अरे मिलल मोरा प्यार आज तो हरे चमनावा, अरे काली की मान जाए सिपही आया जा तू मोर कहना, गिरी मनोज के चरण बंदना। ए बाबू बोल पड़ती है एसपी साहिबा कि तूने बताया पहले कि इस लड़के के परवरिश के लिए कसम खा चुके हो कि ता जिंदगी अपनी शादी नहीं कर सकते हो, प्यार में धोखा खाने के बाद मैंने भी कसम खा लिया कि ता जिंदगी शादी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सिपाही तुमसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, दे सकते हो? कहा कि एसपी साहिबा इसके परवरिश के लिए मेरे पास जो भी होगा न्योछावर कर दूंगा। बोल पड़ती हैं कुछ न्योछावर नहीं करना है, सिपाही से कहती हैं कि अपनी कसम तुम तोड़ दे और मैं अपनी कसम तोड़ दूं इसका परवरिश हो जाएगा। तो भेज के सिपाही तब से नुरावा मंगवली, अरे मंदिर में मनोज साथे सदिया रचवली, अरे खेलत बासुगा नवाया जा दोनों के अंगना, अग्र मनोज के चरणवा रोवेली बंदना, इंसानियत ने झुकाया। एसपी साहिबा ने उस सिपाही से अपना शादी कर लिया और जीवन संगी बन गए, और आज भी उस औलाद को लेके अपना जीवन आपन दोनों कर रहे हैं। यही से कवि कहानी का अंत किए कहना है कि जय जखाड़ स्वामी गुरुदत्तू कि लहराती फुलवारी, त्रिशित ने ही श्री नारायण संग मितवायोद, अरे पर नवा का
सुगनवा कले अरे पर नवा का सुगनवा कले तया तो राम सी सका ऐसा हो लागनवा पर